नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। किसान एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ने के लिए आमादा है। सरकार उन्हें समझा रही है, मगर ऐसा लगता है कि आंदोलन पर उतारू लोग नहीं समझने की सौगंध लेकर आए हैं। देखा जाए तो यह साफ नजर आ रहा है कि यह आंदोलन किसानों के लिए नहीं बल्कि अपने राजनीतिक हित साधने के लिए कुछ पार्टियों के इशारे पर छेड़ा गया अभियान भर है। मोदी सरकार देश भर में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है, इसलिए उसका ध्यान इस तरफ से हटाने और उसके लिए नया सिरदर्द पैदा करने के इरादे से बड़े सुनियोजित ढंग से एक आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस आज कह रही है कि हम सत्ता में आए तो सभी फसलों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बना देंगे, लेकिन यही वह पार्टी है जिसने किसानों को एमएसपी देने की स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को फाइलों के नीचे दबा दिया था। अब सत्ता के लिए कैसे भी वादे कर रही कांग्रेस को यह भी देखना चाहिए कि उसने कर्नाटक में चुनाव के दौरान जनता को जो गारंटियाँ दी थी उसे पूरा करने के चक्कर में वहां की सरकार का खजाना खाली हो चुका है और रिपोर्टों के मुताबिक राज्य भारी आर्थिक कुप्रबंधन की स्थिति झेल रहा है। कांग्रेस को जब देश की जनता ने केंद्र की सत्ता से हटाया था तब भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, जिसे मोदी ने 5वें नंबर पर पहुंचाया, लेकिन अब कांग्रेस सत्ता के लिए देश को आर्थिक विपदा में धकेलने को आतुर नजर आ रही है। हो सकता है कि वह फिर से देश को 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहती हो, इसलिए देश को सावधान रहना होगा और यह जो लोग सड़कों पर पुलिस से लड़ते नजर आ रहे हैं इनके चेहरों को पहचानना होगा और देखना होगा कि कहीं यह लोग उस ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा तो नहीं है जो दुनिया के कई देशों में ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग पुलिस द्वारा लगाए गए अवरोधकों को तोड़ने के लिए तमाम तरह के हथियार लेकर आए हैं और अपने ट्रैक्टरों में लाखों रुपए लगाकर उन्हें सरकारी इंतजामों से लड़ने लायक बनाया है। क्या वह कहीं से आपको गरीब किसान नजर आते हैं? देखा जाए तो अपने हक की मांग करना जायज है, लेकिन सारा कुछ मुझे ही मिले यह मांग करना नाजायज है। सरकारी खजाने पर किसी एक का हक नहीं है। हर फसल पर एमएसपी गारंटी कानून की मांग करने वाले लोगों को पहले यह बताना चाहिए कि इसके लिए सालाना 10 लाख करोड़ रुपया कहां से आएगा। दूसरी ओर इस आंदोलन को लेकर जनता में तो नाराजगी है ही, साथ ही अब किसान संगठनों में भी फूट पड़ चुकी है, इसलिए अधिकांश किसान संगठन इससे दूरी बनाए हुए हैं। भारतीय किसान संघ ने तो साफ कह दिया है कि वह किसानों के दिल्ली चलो मार्च का समर्थन नहीं करता, क्योंकि यह राजनीतिक है और इसका किसानों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय किसान संघ की महासचिव मोहिनी मोहन मिश्रा ने एक बयान में कहा है कि किसानों को लागत के आधार पर उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन चुनावों को ध्यान में रखते हुए किसानों के नाम पर राजनीतिक तिकड़मबाजी बंद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब चुनाव के दौरान राजनीतिक मंशा के साथ किसानों के नाम पर आंदोलन किए जाते हैं तो हिंसा, अराजकता और राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान होता है। मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि इस तरह के आंदोलन किसानों के प्रति नकारात्मक भावनाओं को जन्म देते हैं और अपनी बेहतरी के लिए संघर्ष कर रहे किसानों को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा इसलिए उनका संगठन हिंसक आंदोलन का समर्थन नहीं करता। उन्होंने कहा हम आग्रह करते हैं कि जो लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहते हैं उन्हें ऐसा करना जारी रखना चाहिए, लेकिन उन्हें समाज में किसानों के प्रति नकारात्मक भावना नहीं पैदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा उनका संगठन लागत के आधार पर किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य देने की मांग को लेकर लगातार संघर्ष करता आ रहा है और जब सरकार के साथ बातचीत से कोई समाधान नहीं निकलता तब आंदोलन करता है। उन्होंने कहा हम लागत के आधार पर किसानों को लाभकारी मूल्य देने की मांग करते हैं जो किसान का अधिकार है, साथ ही कृषि में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर GST भी खत्म किया जाना चाहिए, किसान सम्मान निधि बढ़ाई जानी चाहिए और GM बीज की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुख होता है जब राजनीतिक मंशा रखने वाले कुछ लोग अपने राजनीतिक हितों के लिए किसानों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कह दिया है कि किसान वापस नहीं जाएंगे और अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए ही वह दिल्ली जाना चाहते हैं। देखो हमारा है कि सरकार उस मूवमेंट से बातचीत करे, जैसे पहले भी दो दौर की बात हुई है, दोबारा फिर वे बैठ गए, किसान वापसी नहीं जाएगा, सरकार छेड़खानी नहीं मत करें उनके साथ में, वो बैठेगा या तो आगे जाएगा दिल्ली की तरफ, वो पंजाब नहीं जाएगा बगैर बातचीत के समाधान के, वो वापसी जाएगा ही नहीं। किसान की ये टेंडेंसी होती है और हम सब नजरें बनाए हुए, अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिड होगा तो ना हमारे से किसान दूर है ना हमारे से दिल्ली दूर है। इनजस्टिस की बात की जाए, आप कह रहे हैं सर इनजस्टिस, अब किस तरह की इनजस्टिस होगी? मतलब भाई अगर उनसे बातचीत नहीं करेंगे तो वे आगे को बढ़ेंगे, व्याख्या बढ़ेंगे, तो उनके साथ में अगर कोई भी हरकत होती है तो किसान उनके साथ में, देश का किसान।
अभी एक वो मूवमेंट है, एक ग्रुप का है, एसकेएम की आज मीटिंग हो रही है और उसमें हम अपनी सलाह करेंगे उसमें कि हमको क्या करना है। अभी सलाह कर रहे हैं क्योंकि फैसला उन्हीं को लेना, उन्हीं की कमेटी फैसला लेगी। जो भी सरकार को बात करनी है वो उसी कमेटी से बात करे। लेकिन कमेटी तो सर अभी यही कह रही है कि बातचीत करने की कोशिश सिर्फ माध्यम के थ्रू आ रहा है, लेकिन हमारे पास में ऐसा कोई भी बातचीत की बात आ जाएंगे, एक आध दिन में आ जाएंगे, दो दिन में आ जाएंगे, दस दिन में आ जाएंगे। किसान वापसी नहीं जाएगा। हो सकता है कि दो दिन बाद में एक बड़ी जरूरत पूरे देश के किसानों को वहीं इकट्ठा होने की पड़ जाए, हो सकता है कि अलग अलग जगह लोग इकट्ठा हो जाए। अभी हमारा 16 तारीख की कॉल है हमारी, तो हम भी 16 तारीख की होकर फिर एसकेएम और हो सके कि उन लोगों की आपस में बातचीत हो, तो हम भी 16 तारीख तक का इंतजार करेंगे। सरकारों को 16 तारीख तक का टाइम है कि वो बातचीत से इसका समाधान निकाल लें। अगर नहीं तो सर, क्योंकि एक तरफ एक आंदोलन में जो मौजूद है वो कह रहे हैं कि हम कल से रेल रोको भी शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे ये मूवमेंट बढ़ेगा। कल पंजाब में एक संगठन ने ये बात करी है कि हम कल से ट्रेन रोकेंगे 4 घंटे के लिए, तो ये धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ेगा। ये कल पंजाब में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, और जगह होगा। ये नहीं कि सब लोग वहीं जाएंगे या सब लोग दिल्ली जाएंगे। जो लोग जहां होगा वहां से वो आंदोलन शुरू कर सकता है। आंदोलन का क्या है कि घर से बाहर निकल के और आप किसी मुद्दे के लिए बैठ जाओ कि मैं बैठ गया भाई, ये मेरा इशू है, तो वही एक आंदोलन का हिस्सा होता है। प्रहलाद जोशी अभी थोड़ी देर पहले बोले हैं कि रईत किसान अगर जो चाह रहे हैं, जो बातचीत करना चाहते हैं, वो आगे आ जाए बगैर वो पत्थर फेंके, वो आगे आके आगे तो आ तो रहे ना। आप बुलाओ उनके पास में, मीटिंग का इन्विटेशन भेजोगे, मीटिंग कहाँ होनी, और उनके जो लीडर है उन्होंने कहा भी है कि बातचीत करने को तैयार है, उन्होंने शाम तक का टाइम दिया है और बातचीत को बढ़ावे। आगे आके कैसे आएंगे आगे भाई, बात कहाँ होगी, वो चंडीगढ़ में होगी, वहां होगी, किसी गेस्ट हाउस में होगी, तो कहाँ होगी बात बताए, तो तैयार है बात करने को। पीयूष गोयल जी हो या राजेश विद्यानंद सर हो, सारे उनसे मिलने की और कोशिश की है बातचीत करने की और समझौता निकालने की, लेकिन आज तक संगठन आगे नहीं आ रही है। नहीं नहीं आ रहे, आगे आ रहे, कोई वो नहीं है, ये झूठ बोलते है सरकार की आगे नहीं आ रहे। उन्होंने आज भी उनका बयान था और उन्होंने बॉर्डर पार का कहा है कि और पब्लिकली उन्होंने कहा है कि अगर सरकार बात करना चाहती है तो हम तैयार है। ये पत्थर मारने वाले किसान होते हैं, कहां तो पत्थर मारने वालों को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों के साथ हम हैं, ये कह रहे हैं जो प्रहलाद जोशी जी है। नहीं पत्थर कोई नहीं मार रहा, बैरिकेडिंग किसने लगाए, पत्थर मारने वाले भी सरकार के ही लोग होते हैं, वे उन्हीं को प्रोजेक्ट करती है कि कुछ लोग उनके बीच में घुसा दिए, वही होता है। कोई किसान पत्थर नहीं मारता, क्यों मारेगा किसान पत्थर, मतलब आपको लगता है कोई ना कोई घुस के ये सारे घुस के ये काम कर देता है, ऐसा नहीं। पर किसान ना पत्थर मारता ना कोई हिंसक प्रदर्शन करता, किसान तो जाता है भाई कील कांटे किसने काटे, अगर वहां को उनको उखाड़ कर जाएंगे तो पुलिस टीएस गैस का इस्तेमाल करेगी, ऐसा नहीं है। वे बातचीत से इसका रास्ता निकाल ले, किसान इनके साथ में है। राकेश जी यहाँ पे है बेंगलुरु में, वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वहाँ प्रश्न भी उठ रहा है कि राकेश जी सच में ये आंदोलन के साथ है उनको? नहीं नहीं, हमने ये कहा है कि किसान संयुक्त मोर्चा अभी इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं है, इस मूवमेंट की जो लोग अगुवाई कर रहे हैं हम उनके साथ में है। वे किसान जो संयुक्त मोर्चा है उससे बातचीत करें, लेकिन इसकी अगुवाई वही करेंगे जो इसकी लीडरशिप कर रहे हैं, वे इसकी बातचीत का हिस्सा बने, वही बात करे सरकार होनी चाहिए ना। सरकार तोड़ने की कोशिश करे कि किसान संयुक्त मोर्चे से अलग बात करे, जिनका मूवमेंट है उन्हीं से ही सरकार बात करे। पॉलिटिकल सपोर्ट भी आपको लगातार मिल रहा है कांग्रेस? पॉलिटिकल तो आती आती है, जब कोई इंजस्टिस होता है, कोई पथराव होता है, कोई इस तरह की घटनाएं होती है, आंसू गैस के गोले चलते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में रहती है वो आ जाती है समर्थन देने के, हम भी आपके साथ में है, लेकिन वो मूवमेंट का हिस्सा नहीं है। कई मूवमेंट उन्होंने ही स्टार्ट करवाए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कौन मूवमेंट स्टार्ट करवाता है? मूवमेंट किसान का है ना, कोई स्टार्ट करवाता ना, ये पॉलिटिकल लोग है कि मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और उनके किसी के पैरोल पे है। ये किसान है, इनका आंदोलन पूरे देश भर में चलता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर,
जिस तरह का आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है, कहीं ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव आगे, इसको दायरे में रखते हुए कहीं आप ये भी सोच रहे हैं कि सरकार जो है उसके साथ हम इसके ऐसा दबाव में लाए कि इस चीज को आगे बढ़ाते जाए और बातचीत की बात ही ना करें? नहीं नहीं, हम तो बात के लिए तैयार है ना, हम तो वो तो सरकार को देखना है कि उसका नफा होगा या नुकसान होगा, तो सरकार को देखना है। हम तो बातचीत के लिए किसान हमेशा तैयार रहता है। जब दिल्ली में 13 महीने का आंदोलन हुआ तो हमने 12 बार बातचीत की, समाधान सरकार को निकालना है। राहुल गांधी आपको लगातार सपोर्ट दे रहा है इस टाइम पे, लेकिन उनके स्वामीनाथन कमेटी के जो सपोर्ट था रिपोर्ट था उसको उस टाइम पे भी उन्होंने लागू नहीं किया तो उनकी सरकार चली गई भाई। लागू नहीं किया तो सरकार चली गई ना। अब इनको अब क्या कह रहे हैं सर? अभी तो बीजेपी सरकार है, प्रधानमंत्री जी से बात करने की कोशिश की? अब सरकार से बातचीत करने की, उसमें कोई भी हो सकता है, सरकार के लोग कोई भी हो सकते हैं। आप रेडी हैं सर? हम तैयार हैं, देश का किसान तैयार। अगर प्रोटेस्ट बंद नहीं हुआ तो आप भी जाएंगे? नहीं नहीं, हम जा रहे हैं, जो भी संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा हम वो काम करेंगे। हम आज रात को वापसी चले जाएंगे, हमारे प्रोग्राम थे यहाँ पे वो फिनिश हो गए, हम जा रहे हैं रात में 12 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे और कल से फिर मूवमेंट पे पूरी नजरें हम और संयुक्त मोर्चा रखेंगे। संयुक्त मोर्चा जो निर्णय लेगा हम वो काम करेंगे। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार सभी से बातचीत के लिए तैयार है और हम समाधान तलाश रहे हैं। क्या करें तो उसका समाधान जरूर निकल के आएगा, लेकिन संगठनों के माध्यम से जिस तरीके से बातें कही जा रही है और जिस तरीके से समस्याएं सुलझाने के बजाय उन समस्याओं में और जटिलता लाने की कोशिश, ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। इससे आम आदमी को परेशानी हो रही है और आम आदमी को परेशानी ना हो इसकी चिंता निश्चित रूप से जो भी अपने आप को सांगठनिक इकाई के रूप में मानते हैं कि हम किसी संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इस बात की चिंता करना जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा सारे किसान संगठनों से, जो भी इस समय इस तरह की बातों को लेकर जिससे कि समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है, उसके अनुसार पहल करें, बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढे और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है और इस बात का ध्यान रखे कि आम आदमी को कठिनाई ना हो। आम आदमी की कठिनाई से किसी को लाभ मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ डायलॉग आप लोगों का बना है या आप लोगों की तरफ से कोई इनिशिएटिव ली गई है, कोई कमेटी जैसे पिछली बार बनाई गई थी वैसा कुछ आप लोग किसान जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे कुछ बोला है कि हम लोग कोई कमेटी बनाएंगे, कैसे बात कैसे? हमने कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम हैं उसको हम त्वरित गति से निष्पादित करते हुए लोगों को हम ये भरोसा देना चाहते हैं कि उसमें कहीं सरकार पीछे नहीं है, त्वरित निष्पादन करेंगे और कर रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।